5 मिनट हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जो है टॉपिक कंटिन्यू करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशन का। मैं इसके जो कुछ क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज टूडे लेट ओमेगा इज नॉट विल बी ए रूट ऑफ इनिटी, लेट ओमेगा इज नॉट वन बी ए क्यूब रूट ऑफ इनिटी, बी आ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन दैट एस बी द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म वन ए बी डब्लू वन सी वन डब्लू डब्लू स्क्वायर डब्लू वन such that where ABC where each for each ABC is either W or W का स्क्वायर, वेयर इज इधर ए बी सी इज W और W का स्क्वायर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इन द सेट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इन द सेट ऑफ एस। देखो लेट एक दे रखा ओमेगा वन इज नॉट बी देयर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो दे रखा एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म द फॉर्म ऑफ इस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर है वेयर ए बी सी की वैल्यू जो है इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इन द सेट ऑफ एस एस के में क्या हो क्या होगी। फॉर बीइंग नॉन सिंगुलर फॉर नॉन सिंगुलर फॉर ये दे रखा है गिवन है नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर दे रखा है सब फायदा उठा लेंगे कुछ क्योंकि आएगा वन ए बी डब्लू वन सी डब्लू स्क्वायर वो डब्लू इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू जीरो ये क्या होना चाहिए ये नॉट इक्वल टू जीरो ये इक्वल होने चाहिए क्या लगाइए इसको सोल्व कर लेंगे सोल्व करके क्या आ जाएगा
ये आ गया भैया, ए सी डब्ल्यू का स्क्वायर ए सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए प्लस सी प्लस नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो कब होगी? इसकी वैल्यू कब, इसकी वैल्यू कब जीरो नहीं हो सकती? इसकी क्या कंडीशन होंगी कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती? क्या कंडीशन होंगी? ए बी सी जो ट्रिपलेट है, ये ए बी सी का जो ट्रिपलेट है क्या होना चाहिए? ए बी सी का क्या ट्रिपलेट होना चाहिए? ये कब जीरो नहीं होनी, इसकी वैल्यू कब नहीं होनी, तो क्या होना चाहिए? एक तो चिन्हों का डब्ल्यू डब्ल्यू रख दू मैं, इनमें डब्ल्यू 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 रख दू इसमें, ए सी की वैल्यू डब्ल्यू की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 डब्ल्यू का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या आएगा ए का क्या आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, बी का क्या आ जाएगा? यह आएगा क्या आएगा डब्ल्यू की पावर 4 माइनस 2 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, ये जगह क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू का पावर 4, डब्ल्यू की पावर 4 माइनस 2 डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 1, जो डब्ल्यू की पावर क्यू है क्या है, डब्ल्यू आ गया डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 1, ये जीरो हो ही नहीं सकता, बोले प्लस हो ही सकता है। अच्छा एक तो हो गया, नहीं एक तो फॉर्म हो गई इसमें डब्ल्यू 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 स्क्वायर, एक क्या आ जाएगी इसकी, एक क्या हो सकती है भाई इसकी, बताओ एक क्या हो सकती है, और देखो इसमें इक्वेशन में कहीं भी बी नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में क्या नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो बी की वैल्यू को कुछ असाइन कुछ चेंज कर दू, बस मैं बी की वैल्यू क्या कर दू, दूसरी वैल्यू क्या है बी डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर है, तो बी को ही क्या कर दू मैं असाइन डब्ल्यू स्क्वायर कर दू, ये आ जाएगी कुछ चेंज पड़ना ही नहीं, आइडेंटिटी दी जाएगी, ए क्या डब्ल्यू ठीक है, आंसर आ गया। देखो लेट डब्ल्यू वन इक्वल टू बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड एफ बी द सेट ऑफ ए नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स दे रखी, मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखी नॉन सिंगुलर में, वेयर ए बी सी इज द इधर डब्ल्यू और डब्ल्यू सी, यानी ए बी सी जो साइन असाइन हो सकती है वैल्यू वो डब्ल्यू हो सकती है या डब्ल्यू स्क्वायर हो सकती है, द नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ डिस्टिंग मैट्रिक्स ऑफ द सेट ऑफ एफ, एफ में कितनी मैट्रिक्स हो सकती है, एफ में कितनी मैट्रिक्स हो सकती है, कितनी मैट्रिक्स हो सकती है, तो अच्छा ये नॉन सिंगुलर दे रखा, नॉन सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट जीरो, इसको जो मैंने सोल्व कर लिया तो ये आ गई मेरे पास, अब इसमें से मैं ए बी सी को असाइन कर दूंगा वैल्यू कोई डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, मान लिया तीनों को डब्ल्यू डब्ल्यू करूंगा तो ये आ गया, फिर अगर मान लिया फिर एक और क्या कर दूंगा मैं से बी है तो बी को डब्ल्यू स्क्वायर कर दू तो डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू, तो कितने असाइन वैल्यू इतने सेट हो गए, तीन सेट हो गए, कितने आ गए सेट ऑफ नंबर 2,
आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट लेट पी इक्वल टू पी, लेट पी इक्वल टू ए आई जे से मैट्रिक्स है, बी ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, बी ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, ये थ्री बाई थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, एंड क्यू इज इक्वल टू बी बी आई जे, एंड क्यू इज इक्वल टू बी आई जे सच दैट जी आई जे इक्वल टू टू आई प्लस जे ए आई एज फॉर आई जे इज वन टू थ्री, फॉर आई जे इज वन टू थ्री, इफ द डिटर्मिनेश इफ द इफ द डिटर्मिनाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज टू, देन द डिटर्मिनेश देन द डिटर्मिनाइट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पी इज, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्यू इज, क्या है सवाल ये, लेट ए इज पी इक्वल टू ए आई जे बी ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, एंड क्यू इक्वल टू बी आई जे इक्वल टू टू की पावर आई प्लस जे ए आई जे फॉर वन आई जे वन लेस देन वन ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री इक्वल लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन और इक्वल टू थ्री, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू टू देन द डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, इसकी है वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, देखो भाई अब मैं इसकी बी आई जे है, बी आई जे की वैल्यू है टू आई की पावर जे प्लस ए आई जे, तो अब मान लिया अब मैं क्यू की मैट्रिक्स की डिटर्मिनेशन निकालना चाहता हूँ, डिटर्मिनेट निकालने से है तो ये है क्या, मैं ये डिटर्मिनेशन लिखी है क्या मैं मैट्रिक्स में लिखे, मैं डिटर्मिनेशन में लिख के डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या है यो इसके लिए ए वन वन पहले के लिए पहली रो पहला कॉलम, तो क्या जाएगा बी वन वन के लिए, बी वन वन के लिए क्या जाएगा टू वन की पावर क्या जाएगा टू वन की पावर वन प्लस वन ए वन वन, तो क्या जाएगा टू की पावर टू ए वन वन, क्या आ गई है टू की पावर टू ए वन वन, टू की पावर टू ए वन वन, सिमिलरली फॉर दिस इट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए वन टू, ए वन टू मीन्स टू वन की पावर थ्री टू वन की पावर वन प्लस टू ए वन टू, यानी टू की पावर थ्री ए वन टू, टू की पावर थ्री ए वन टू, टू की पावर थ्री ए वन टू, टू की पावर फोर
A13 इसी पावर 4 A13 अब क्या आ गया 2 की पावर 3। अच्छा 2 3 4 अब यहाँ गया 2 ये क्या 2 1 2 की पावर 3 A21 यहाँ गया 2 की पावर 4 A22 2 की पावर 5 A23 ये का 2 की पावर 4 A31 2 की पावर 5 A32 2 की पावर 6 A33 ये भैया यार हम क्या करें इस रो में से इस कॉलम में से 2 की पावर 2 कॉमन इसमें 2 की पावर 3 इसमें 2 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया 2 की पावर 2 कॉमन ले गए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसमें से 2 की पावर 3 और इसमें से 2 की पावर 4 क्या 2 और 2 कॉमन लेंगे A11 A11 A12 A13 2 और 2 कॉमन लेंगे 2A21 2A21 2 की पावर 2 A31 क्या गया 2 की पावर 2 A22 2 की पावर 2 A32 इधर से क्या ले गए 2A23 2 की पावर 3 A33 ये यहाँ तक के आ गए यहाँ तक की बात नहीं होगी नहीं अब देखो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 2 3 2 3 5 5 4 9 ये आ गई 2 की पावर 9 ये क्या आ गई 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई अब देखो इस लाइन में से फिर 2 कॉमन है रो में से इस रो में से 2 की पावर 2 है 2 की पावर 2 है तो क्या आ गया 2 और 2 की पावर 2 फिर कॉमन ले रहे क्या बचा गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 और 10 2 की पावर 12 यहाँ गई 2 की पावर 12 और ये आ गई ये क्या है ये है p इक्वल टू आई जे A11 A12 रखी है इसको A11 यानी कि मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p की वैल्यू रखी 2 की पावर 12 × p 2 की पावर 12 × p और इस p की वैल्यू कितनी दे रखी इस p की वैल्यू कितनी दे रखी ये दे रखी कि मीन है 2 तो 2 की पावर 12 × 2 = 2 की पावर 30 आई समझ बात देखो भाई एक बार और देखते हैं सवाल को क्या देखते हैं लेट पी इक्वल टू ए आई जे बी दा 3 × 3 का एक मैट्रिक्स था कैसा मैट्रिक्स था Q इज इक्वल टू बी आई जे क्यू बराबर था बी आई जे और बी आई जे था बी आई जे इक्वल टू 2 की पावर i + j A i j और जे आई और जे की वैल्यू कहां तक थी 1 to 3 यानी कि ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3
और इफ डिटर्मिनेशन पी की वैल्यू, इफ सी की वैल्यू कितनी थी, इफ पी की वैल्यू कितनी थी, टू थी, इफ पी की वैल्यू कितनी थी, टू थी, इफ पी की वैल्यू टू थी, इफ पी की वैल्यू कितनी थी, इफ पी की वैल्यू टू थी, इफ पी की वैल्यू क्या टू थी, द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द क्यू निकालनी है। तो जब क्यू निकालनी है तो पहले क्यू लेगा क्यू इक्वल टू बी आई जे, बी आई जे टू आई प्लस जे, ए वन 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 की वैल्यू यहाँ के बी वन, बी वन वन की, फिर बी वन टू की पहली रो पहला कॉलम ये रख के याद है, इनमें सब में से टू की पावर टू कॉमन, उसमें से टू और थ्री कॉमन, उसमें से टू की पावर फोर कॉमन ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, टू की पावर नाइन आ गई, और इसमें से थ्री कॉमन ले गया, ये आ गया, इस रो में से फिर टू कॉमन लिया, इस थर्ड रो में से फिर टू की पावर टू कॉमन लिया, सो क्या आ गया, ये आ गया ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन, सो क्या आ गया टू की पावर नाइन और वन टेन ट्वेल्व की पावर टू है थ्री है, ये वैल्यू क्या रखी है, ये वैल्यू रखी है ये पी इक्वल टू ए आई के, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री ए टू, ये वैल्यू रखी पी की, ये क्या वैल्यू रखी, पी की वैल्यू रखी है और पी की डिटर्मिनेशन की गिवन है टू, हेंस टू की पावर ट्वेल्व इंटू टू टू की पावर थर्टीन, दैट इज इट इज वैल्यू विल बी टू द थर्टीन, इसकी वैल्यू क्या होगी थर्टीन होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई थर्टीन होगी, अब देखो अभी एक और क्वेश्चन है, लेट्स let p is equal to let p is equal to ये तो ये मैट्रिक्स है वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो फोर वन जीरो एंड सिक्सटीन फोर वन सिक्सटीन फोर वन एंड i be the identity matrix of the order three i and i is the identity matrix of order 3 and I is the identity matrix of the order 3 Q is equal to Q I J Q is equal to Q I J Q is equal to Q I J is a matrix such that is a matrix is a matrix such that इस तरह की है is a matrix such that p की power 50 p की power 50 minus i equal to q ये p की power 50 minus q equal to i p की power 50 minus q equal to i here then Q 31, Q 32, then Q 31 plus Q 32 plus upon Q 31 upon Q 32 upon Q 21 is equal to Q 31, Q 32 upon Q 21 is equal to 1. बावन जैसे कि एग्जाम्पल है ए बी सी डी बावन एक तो क्या है आंसर है इसका बावन वन हंड्रेड थ्री टू हंड्रेड वन वन हंड्रेड थ्री टू हंड्रेड वन एंड टू हंड्रेड फाइव
देखो भाई, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, गिवन है P इक्वल टू 100410 16 फोर वन एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर द Q इक्वल टू क्यू आई जी इज ए मैट्रिक्स। इस तरह का मैट्रिक्स है, यानी P की पावर 16 माइनस क्यू इक्वल टू आई, देन Q31 Q32 Q21 इज इक्वल, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी इसकी जो है वैल्यू निकालनी है। अब जो P की पावर 50 है, बहुत ज्यादा है रियल की। अब मैंने पहले P है, पहले P की में है 100410 16 41, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब मुझे इसका कुछ फायदा उठा लू, इसे P की पावर 15 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई, P की पावर 15 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। अच्छा, अब मैं इससे पहले क्या कर सकता हूँ, मैं इससे क्वेश्चन क्या करूँ, पहले P स्क्वायर को निकलू, P स्क्वायर क्या आएगा, P मल्टीप्लाई P, यानी कि क्या आएगा 100410 16 41, इसको 100410 16 41। यानी P स्क्वायर इक्वल टू P मल्टीप्लाई P, इस P की वैल्यू रख दी, इस P की वैल्यू। अच्छा, इन इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो भाई क्या आ गया, करो सुनो जी, इसकी मल्टीप्लाई बताओ क्या आ जाएगा। बताओ क्या जाएगा, दिया जाएगा वही 100 1 0 48 8 1 0 48 8 0 क्या गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, या लिख कर दू Q31 प्लस Q32 अपॉन Q3। ये आगे पी स्क्वायर में, अब इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये पी क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं, पी क्यू। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू पी क्यू, पी क्यू मीन्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी, पी क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी क्यूब, पी क्यूब की क्या गया, इसकी मल्टीप्लाई पी क्यूब भी करके,
क्या आ जाएगा बताओ? ये आ गया 1 0 0 0 12 1 0 98 1 12 0 0, ये आ गया 1 0 0 12 1 1 0 96 12 0, ये आ गया भैया पी क्यूब बराबर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी, ये आ गया 1 0 0 12 1 0, ये क्या आ गया 98 प्लस ये। अच्छा अब अगर मैं देखो फिर इसी तरह जो है मैंने पी स्क्वायर निकालना फिर पी क्यूब निकालना इसी तरह पी की पावर 4 भी निकाल सकता हूँ ठीक। अब मैं अगर मैं पी की पावर एन निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ मैं सी की पावर एन, सी की पावर एन, पी की पावर एन में क्या आ जाएगा भैया पी की पावर एन देखो देखो पी की पावर एन कितना निकलेगा देखो भाई पी भी ये है ये रहा पी स्क्वायर में भी ये रहा और पी की पावर थ्री में भी ये रहा, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं 1 0 0 ठीक। देखो सी में तो क्या आ गया 4, पी स्क्वायर में क्या आ गया पी स्क्वायर में 8 और पी थ्री में 12, क्या आ गया 4 8 12 4 8 12, तो क्या आ गया ये क्या आ गया 4n का मल्टीप्लाई यानी 4n 4 मल्टीप्लाई 1 4 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3, तो n में क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई n 4n 4n, यहाँ क्या आ गया 1 0, यहाँ भी 1 0 है और यहाँ भी 1 0 है और यहाँ भी 4 1 0 है वही है, तो ये क्या कहेगा 4n 0 4n 1 1 है तो 1 ही है। अब ये रह गया इसकी वैल्यू क्या आती है देखो, पहले वाले में 16 है फिर क्या आ गया 48 है फिर क्या आ गया 98 है, तो ये क्या आता है ये क्या आता है बताओ, देखो ये है ये 15 आया, पहले में 16 दूसरे में 48 तीसरे में 98, तो क्या आ जाएगा भैया 98 96 आएगा, क्या आएगा नाइनटी। अभी देखो ये क्या है कि ये आ जाता है एन स्क्वायर प्लस एन और 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है एन स्क्वायर प्लस एन इंटू 8, यानी एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ एन की वैल्यू क्या रखूंगा 1 रखूंगा तो कहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई 8, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 1 का स्क्वायर 1 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16 ये। और 2 के लिए क्या जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 का स्क्वायर 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 तो 15 मल्टीप्लाई 18, तो आ गया 8 एन स्क्वायर प्लस एन, ये आ गया पी की पावर एन इक्वल टू पी की पावर एन इक्वल टू 8 एन स्क्वायर प्लस एन, अच्छा अब मुझे निकालना है पी की पावर 50, पी की पावर 50 क्या निकालना है मुझे पी की पावर
50, क्या की वैल्यू निकालनी है पी की पावर 50 पी पावर 50 में से आ जाएगा ये 1 0 0 200 1 0 8 50 का स्क्वायर प्लस 50 लास्ट फिफ्टी कॉमन स्क्वायर है ना, 50 का स्क्वायर प्लस 50, 50 दोनों का कॉमन ले लिया, 50 प्लस 1 तो 50 मल्टीप्लाई 51, तो इसे क्या कर लिया 50 मल्टीप्लाई 1000, यहाँ देखो समझ गई 8 की मल्टीप्लाई क्या आ गया 50 मल्टीप्लाई 50 इंटू 1 आ गया, अब ये क्या आ गया पी की पावर, और गिविन क्या है, गिविन है पी की पावर, गिवन क्या है, गिविन है पी की पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई, पी की पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। अच्छा अरे क्यू की वैल्यू क्या है, A11, अब इसे कंपेयर कर लूंगा, अब क्या कर लूंगा मैं इसको, क्या कर लूंगा मैं कंपेयर कर लूंगा, तो Q21 के लिए क्या आएगा, P की पावर 200 माइनस Q21 इज इक्वल टू आई, क्या आएगा Q21 इज इक्वल टू क्या आएगा, जो जीरो कंपेयर करके आएगा जीरो, पी क्यू क्या आएगा Q21 पी की पावर 50 इज इक्वल टू ये, कंपेयर करें क्या आ गया एस्टिमेट के, इक्वल टू Q21 इक्वल टू जीरो, Q21 इक्वल टू क्या आ गया जीरो, Q21 इक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया, यहां से आ गया Q21। सिमिलरली Q31, सिमिलरली Q31, Q31 क्या आ जाएगा यहां से Q31, Q31 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, फोर हंड्रेड मेरा 8 मल्टीप्लाई इंटू 50 इंटू 51, Q31 क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 50, 8 मल्टीप्लाई 50 इंटू 51 क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 50 इंटू 51 यानी 400 मल्टीप्लाई 51 Q31। सिमिलरली Q21 Q32 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 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा ये 200,
अब इनकी सब क्या रख दूंगा मैं, वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे कि निकालनी वैल्यू किसकी है, क्यू थ्री वन प्लस क्यू थ्री टू अपॉन क्यू टू वन। क्यू थ्री वन की वैल्यू कितनी है, 400 मल्टीप्लाई 51 प्लस टू थ्री वर्टिकल 200 आ गया अपॉन क्यू टू वन की वैल्यू कितनी है 200 आ गया। इस 200 से ऊपर कॉमन ले गए, 2 मल्टीप्लाई 61 प्लस 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, ये 103 क्या आ जाएगा, 103 यहाँ से आ जाएगा 101 प्लस 2 से क्या 100। आंसर इज 103। देखो क्या क्वेश्चन है ये, लेट पी बी ए ए को जो पी मैट्रिक पी आई इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 था, इस तरह की मैट्रिक्स थी, इस तरह की सच दैट इस तरह की मैट्रिक थी, ई माइनस 50 माइनस 2 इज इक्वल टू आई को जो इस तरह की सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी है, अब मैंने पहले पी निकाल लिया, फिर पी स्क्वायर निकाल लिया, फिर क्या की वैल्यू निकाली मैंने, पी सी थ्री की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली एक जनरल फॉर्मूले से मैंने पी एन की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि देखो हर एक माह ये 100 तो आ ही रहा, सब में ये 100 आ रहा, ये 100 भी आ रहा, ये सारा यानी इतना जो फॉर्म इतना जो फंक्शन है वो तो सेम है। चाहे पी ले लो, चाहे पी स्क्वायर ले लो, और चाहे पी की पावर 4 कुछ भी लेते रहो, पी की पावर एन भी ये 8। अच्छा पी की पावर एन में अब देखो वन वाले पहले में 1 है, 4 है, दूसरे वाले में कितना है 8 है, थ्री वाले में कितना है 12 है, 4 एन आ गया 4 एन, तो ये भी किधर हो गए यानी फिर तो ये और ये आ गए 4 एन एन। अब वही इसकी बात है, ये 96 है थर्ड वाले में, सेकंड वाले में 48 है, फर्स्ट वाले में, तो एन स्क्वायर प्लस एन इंटू 8 ये आ गए 8 एन स्क्वायर एन। इसके पी की पावर 60 लिख दूंगा, पी की पावर 60 आ गया। अब इसके पी की पावर 60 माइनस 2 माइनस आई है इक्वेटिंग को पी की पावर, जैसे इसके इसके रेस्पेक्ट में इसके इक्वेटिंग करके क्यू की पावर आई जे व्यक्ति क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू की वजह से 200 माइनस 221 इक्वल टू 0, इसलिए 221 की आ गई, 231 की आ गई, 232 की आ गई। अब इन सबको वैल्यू कहाँ रखूंगा, इसमें फुट कर दिया, दैट इज आंसर इज 103। इसका आंसर क्या आ गया, 103 आ गया। ठीक है भाई, आगे बात में आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लेट जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 वेयर आई इक्वल टू रूट माइनस 1 एंड आर एस बिलोंग्स टू 1 एंड आर कोमा एस बिलोंग्स टू 1 2 3। आर कोमा एस बिलोंग्स टू 1 √3। लेट ई इक्वल टू एक कोई मैट्रिक्स है ये माइनस जेड की पावर आर, जेड की पावर 2 आर, जेड की पावर 2 एस
एंड आई विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आई एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू. अब क्या करते हैं इसमें, देन द Then the total number of ordered pairs P. for क्या सवाल है देखो, जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट सी आई फोर टू, वेयर आई इक्वल टू रूट माइनस वन एंड आर एस बिलोंग्स टू वन टू थ्री, वेयर लेट पी इज इक्वल टू माइनस जेड की पावर आर, जेड की पावर टू एस, जेड की पावर टू एस, जेड की पावर आर एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जेड, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर एस इज फोर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है माइनस वन है. अच्छा भाई देखो, z इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, मान ले ओमेगा है, क्या ये ओमेगा है, और p इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, z इक्वल टू ये है, ये क्या दे रखा है इसने, ये ओमेगा के बराबर होता है पता है, तो क्या आ गया e इक्वल टू क्या आ गया माइनस w की पावर r, डब्ल्यू की पावर टू एस, डब्ल्यू की पावर टू एस और डब्ल्यू की पावर आर. इसमें से क्या करता हूं मैं, इसकी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूंगा, पी स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या था, पी मल्टीप्लाई पी, तो क्या आएगा माइनस क्या जाएगी इसकी माइनस ओमेगा की पावर आर माइनस आर, क्या जाएगी माइनस, ये क्या आ गई इसकी माइनस ओमेगा की पावर टू आर प्लस ओमेगा की पावर टू एस की पावर का स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर आर ओमेगा की पावर टू एस. देखो क्या आ गया,
माइनस ओमेगा की पावर आर, बताओ करो से इसी तरह से ओमेगा की पावर टू एस ओमेगा की पावर आर आज ये क्या आएगा ओमेगा की पावर, ये क्या आएगा ओमेगा की पावर चार एफ प्लस ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर और ये आ जाएगा फिर। और अगर ये आ जाएगा भैया ये क्या जाएगा, ये है ना, ये जैसे ना माइनस ओमेगा की पावर टू आर प्लस ओमेगा की पावर टू एस का स्क्वायर, अगर आर और एस को वैल्यू को वन रख दूं क्या जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा का स्क्वायर क्या आएगा, ये ओमेगा का स्क्वायर ये क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस ओमेगा की पावर क्या आएगा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा की पावर थ्री इंटू प्लस ओमेगा की पावर थ्री, इससे जाएगा देखो भाई इसकी भी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू वन आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई इसकी वैल्यू जीरो आ गई, इसकी वैल्यू वन आ गई, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ क्या आ गई वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इनकी वैल्यू क्या आ गई वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई
तो कौन से ऑर्डर ऑफ स्पेयर की वैल्यू किसी भी रहे, कब है ये? अगर फोर आर इक्वल टू वन एंड एस इक्वल टू वन, फोर आर इक्वल टू वन एंड एस इक्वल टू वन, फोर एंड आर इक्वल टू वन एंड एस इक्वल टू वन। कोई जेड इक्वल टू ये था, कोई वेयर आई इक्वल टू रूट माइनस आई, आई इक्वल टू क्या था, रूट माइनस आई था ये, एंड आर एस की वैल्यू क्या थी, वन टू थ्री कर लेता हूँ। तो पी इक्वल टू ये था, तो अब इसकी वैल्यू ये जेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, डब्ल्यू आ गई, क्या आ गई है डब्ल्यू, पी इक्वल टू क्या आ गया ये माइनस डब्ल्यू की पावर आर, डब्ल्यू की पावर टू एस, डब्ल्यू पावर टू एस एंड डब्ल्यू की पावर टू आर। अब इसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इसको असाइन वैल्यू कर दूंगा, इसके जो मल्टीप्लाई आई इसमें से असाइन वैल्यू करूंगा, आर की वैल्यू वन करूंगा और आर की वैल्यू क्या कर दूंगा अपनी तरफ से इसमें से लेके। तो क्या आ जाती है इसकी वैल्यू, आर और एस की वैल्यू माइनस आई आ जाता है। क्या आता है माइनस आई, कब आता है, अगर क्या कर दू आर और एस को वन, आर को वन कर दू, इसकी इसकी वैल्यू वन माइनस वन वन और ये जीरो आ जाती है, तो इसकी माइनस वन आ जाती है। कब आती है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर में, जब आर की वैल्यू वन हो और एस की वैल्यू वन हो, चलिए इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, आर की वैल्यू वन है एंड एस की वैल्यू फोर, आर इक्वल टू वन एंड एस इक्वल टू वन, ये आ गया। अगर कोई सा भी लेंगे इसमें से, इससे अलावा इसकी वैल्यू इस माइनस आई नहीं आएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जैसे एक क्वेश्चन है, लेट मैं एक क्वेश्चन डिटरमिनेशन का लगाते हैं, इफ अल्फा बीटा इक्वल टू नॉट जीरो एंड एफ एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, अल्फा एन इक्वल टू एन की पावर एफ एन इक्वल टू अल्फा की पावर बीटा की पावर एन, थ्री वन प्लस एफ वन, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ वन, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री और वन प्लस एफ फोर इक्वल टू के वन माइनस अल्फा का स्क्वायर, वन माइनस बीटा का स्क्वायर और वन माइनस गामा का स्क्वायर, वन माइनस अल्फा का स्क्वायर, वन माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फाइंड द के वैल्यू। देखो क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और क्या है ये वैल्यू, वन प्लस एफ वन प्लस वन एफ टू, वन प्लस एफ वन, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री एंड वन प्लस एफ फोर इक्वल टू के वन माइनस अल्फा स्क्वायर, फोर विच वैल्यू के इसकी वैल्यू कितनी होगी।
देखो भाई, अब इसकी जो है एफ एन इक्वल टू एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है, थ्री की है, तो इसको क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू रखता चलते थ्री वन प्लस एफ वन, एफ एन इक्वल टू क्या है, एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो एफ वन इक्वल टू, एफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, ये आ गई प्लस एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ टू की वन प्लस एल्फा का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ वन प्लस एल्फा का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस एल्फा की पावर थ्री बीटा की पावर थ्री, एफ टू कितनी आ गई, वन प्लस एल्फा का स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये भाई अब क्या करा मैंने इसको, इसको थ्री को क्या करा मैंने, थ्री को ये तोड़ लिया, वन प्लस वन प्लस वन क्या कर लेते, वन प्लस वन प्लस वन ये क्या आ गया, वन प्लस एल्फा प्लस बीटा, वन प्लस एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये क्या आ गया, वन प्लस एल्फा प्लस बीटा, वन प्लस एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये क्या आ गया, वन प्लस एल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये क्या आ गया, वन प्लस एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, वन प्लस एल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, वन प्लस एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, ये आ गया, समझ बात में आ गई भाई, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगर इनकी तीनों की हम मल्टीप्लाई अलग अलग करें, किसकी मल्टीप्लाई रखी है हमें पता है, किसकी मल्टीप्लाई रखी है, ये है वन प्लस, ये इसकी रखी है वन, देखिए इसकी इसकी रखी है, अगर हम अलग अलग करें, वन 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 एल्फा बीटा का क्या रखी है, वन 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 एल्फा बीटा, वन 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 एल्फा बीटा, वन 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 एल्फा बीटा, वन एल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, या वन 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 एल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर एल्फा, देखिए रखिएगा, देखिए ये आता है मल्टीप्लाई करके, तो इनकी मल्टीप्लाई करना देखें, दोनों की मल्टीप्लाई देखो यही आ जाएगा सी, ठीक। अच्छा अब इसकी इसकी वैल्यू क्या रखी है, इसकी वैल्यू रखती है, इसकी वैल्यू क्या रखी है, इसकी वैल्यू रखी है वन माइनस एल्फा का स्क्वायर, क्या रखी है इसकी, वन माइनस एल्फा का स्क्वायर, वन माइनस बीटा का स्क्वायर, वन माइनस गामा का स्क्वायर, वन माइनस एल्फा का स्क्वायर, वन माइनस बीटा का स्क्वायर, वन माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू ये के इक्वल टू वन माइनस इसकी वैल्यू कितने का बुकी वन है इसके बराबर है, तो कंपेयर कर दूंगा तो के इक्वल टू वन आ जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया,
ए इक्वल टू वन आ जाएगा। देखो के देखो क्या क्या गिवन है, ये अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, तो ये एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो फाइंड द के वैल्यू। अब मैं इसमें से एफ वन की वैल्यू रख दूंगा, यहाँ से एफ टू की, जितनी भी दीजिए सबकी वैल्यू रख दूंगा। और जब ये थ्री को क्या रख सकता हूँ मैं इसी फॉर्म में, वन प्लस वन, वन प्लस वन, इस फॉर्म में रखिए। तो मैंने देखा कि ये जो है मल्टी, ये डिटरमिनेशन की मैट्रिक्स की है, डिटरमिनेशन की जो है डिटरमिनेशन टू डिटरमिनेशन का मल्टीपल है, ये टू डिटरमिनेशन का मल्टीपल है, इन दोनों का ये मल्टीपल है, ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू वन माइनस अल्फा स्क्वायर, वन माइनस बीटा का स्क्वायर, वन माइनस गामा का स्क्वायर आ गई। क्या आ गई? ये आ गई थी मेजर। अब यो इसके बराबर है, इसमें के की क्या आ गया, इसमें के के की वैल्यू वन आ गई, तो वन माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस गामा का स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे, के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन, एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या बोलिए क्या क्वेश्चन है, इफ इसके लेट ओमेगा बी दी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट लेट ओमेगा बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट टू ओमेगा वन प्लस दैट इज इक्वल टू वन, टू ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू दैट, एक वो डिटरमिनेशन दे रखी है वेयर जेड इज इक्वल टू रू माइनस रूट थ्री, वेयर जेड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, वेयर जेड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू वन 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 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर सेवन इक्वल टू के थ्री के, वेयर के इक्वल टू वेयर के, वेयर के की वैल्यू कौन सी होगी, वन माइनस जेड प्लस जेड, कौन सी होगी वन माइनस जेड जेड, और इनमें से कौन सी वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप जो है सब जो है घर से करके जाएंगे, जैसे है क्या क्वेश्चन है, यो हाँ भाई क्या क्वेश्चन है, ये इसको इसको जो है ये कोई लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्लस जेड जेड इक्वल रूट माइनस थ्री, इस पर थ्री के वेयर इज द वैल्यू, फिर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सोल्व कर लेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी कंपेयर कर लेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे घर से करके लाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और कोई यानी प्रॉब्लम, ये लगभग लगभग डिटर्मिनेशन कम, और ये जो है मैट्रिक्स पूरा होने को है, और फोर एनी इंक्वायरी फॉर एनी क्वेश्चन एनी स्टूडेंट, ये लिख के ले आएगा, कोई भी कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होगी मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंट पे इसको घर से कर लेंगे सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स ऑफ ऑल, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।